इसके पहले जो ट्रेनिंग किया हुआ है उसमें हमने देखा होगा केमिकल, कौन सा केमिकल हम कहाँ यूज करते हैं। अभी इस बार के ट्रेनिंग सेशन में हम ले रहे हैं कि हमको हाउसकीपिंग में क्या क्या चीजें यूज होती है, उसका यूज कैसे है और हम कहाँ कहाँ पे किस तरह से उसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले हाउसकीपिंग में, हाउसकीपिंग की क्लीनिंग प्रोसीजर होती है कि हम कैसे क्लीनिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहाँ पे खत्म करते हैं। ठीक है, तो क्लीनिंग में सबसे पहले होता है हमारा डस्टिंग, टेबल वगैरह जो भी चीज हो उसके ऊपर सबसे पहले हम डस्टिंग करते हैं। क्यों डस्टिंग करते हैं? टेबल पे हुआ गिरा हुआ कचरा ऊपर से नीचे गिर जाए, फिर उसके बाद हम नीचे से झाड़ू करें, फिर उसके बाद पोछा करें। तो ये हो गया एक सिस्टम कि सबसे पहले डस्टिंग करना है, उसके बाद ड्राई मॉप या तो फिर झाड़ू से या तो फिर वेट मॉप, उसके बाद वेट मॉप करना। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये चीजें को इस तरह से लगा के रखी है। इसमें सबसे पहला जो तीन मटेरियल यूज होता है वो सबसे पहला येलो डस्टर है, उसके बाद में है चेक डस्टर, फिर कॉलिंग। ये तीन चीजें होती है जो आपको डस्टिंग में यूज होती है। अभी ये दो तरह के कपड़े किस लिए है कि हम ऐसे डिवाइड करते हैं कि जो चेक डस्टर है वो सारा का सारा यूज होता है आपका हार्ड फ्लोर के लिए, मतलब टेबल्स हो गए, फिर आपका चेयर्स हो गया साफ करना, चेयर का बॉटम हो गया, टॉप हो गया, ये सारा चीज साफ करने में हम चेक डस्टर का यूज करते हैं कॉलिंग की मदद से। दूसरा हमारा जो येलो डस्टर है वो सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट एरिया के लिए, सॉफ्ट एरिया मतलब हमारा कंप्यूटर का स्क्रीन हो गया, अगर कोई टीवी एलसीडी है तो उसका स्क्रीन हो गया, जिधर भी हम चेक डस्टर मार के उसके ऊपर स्क्रैच आ सकते हैं, तो हम इसलिए चेक डस्टर वहां पे यूज नहीं, उसके लिए स्पेशली येलो डस्टर दिया हुआ है। अभी जनरली हम ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस में ज्यादातर क्या होता है कंप्यूटर पीसी फिर उनका वो सीपीयू यूपीयू। अभी जब टेबल है उसके ऊपर तो हम चेक डस्टर से साफ करते ही है, कंप्यूटर पीसी के हम चेक डस्टर यूज नहीं कर सकते, इसके लिए हम येलो डस्टर का यूज करते हैं। अभी डस्टिंग को यूज करने का कैसे किया जाता है, हम साथ में यूज करते हैं कॉलिंग, तो हम ऐसे कॉलिंग लेते हैं, मान लो कि मुझे टेबल पे डस्टिंग करना है तो मैं लूंगा ये चेक डस्टर, सबसे पहले इसे एक अच्छे से फोल्ड करो, ये हो गया ऐसे, ऐसे हम इसको फोल्ड करेंगे, फिर हमारा कॉलिंग या तो हमारा जो भी मटेरियल है, जनरली हम इसके लिए R2 यूज करते हैं, तो हमारा टेबल क्लीनिंग वगैरह हो गया, जब भी सब जगह पे कॉलिंग यूज करो कॉलिंग भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं कि टेबल पे इसको डस्टिंग करना है, तो सबसे पहले एक सूखा कपड़ा लगा के इसके ऊपर ऐसे साफ करेंगे, हो गया, फिर इसके ऊपर हमारा कॉलिंग का छिड़काव करेंगे, हो गया, फिर उसके बाद ऊपर से स्टार्ट करेंगे, ऊपर से करते 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 एक लाइन में दिख रहा है, इस तरह से हमको पूरा डस्टिंग करना है ताकि ऊपर का कोने से लेकर नीचे का पूरा एरिया आपका कवर हो जाए, इस तरह से हम डस्टिंग करते करते पूरा आपका टेबल क्लीन हो जाए। ठीक है, फिर आ गया दूसरा कमरा, ये येलो डस्टर, ये हमारा यूज होता है हमारी कंप्यूटर स्क्रीन, फिर उसका जो भी छोटा मोटा पार्ट है उसके लिए, कंप्यूटर के लिए हम क्या करते हैं उसको भी अच्छे से फोल्ड करते हैं। लोग गलती क्या करते हैं कि इसको ऐसे कर देते हैं फिर मारते हैं, ये अच्छी चीज नहीं है, ये प्रॉपर हाउसकीपिंग में नहीं होता है। इसका एक सिस्टम है, आप बड़ा सा नैपकिन लीजिए, इसको अच्छे से हो सके ऐसे फोल्ड कीजिए, आपके एक हाथ में आना चाहिए ऐसे, फिर इसको पकड़ के एक साइड से साफ कीजिए, ये गंदा हो गया साइड बदल दीजिए साफ कर दीजिए, इस तरह से इसको यूज करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डस्टिंग का पार्ट। सेकेंड पार्ट आता है हमारा झाड़ू करने का या तो फिर कचरा निकालने का। ठीक है, उसके लिए हम तीन चीजें यूज कर सकते हैं। सबसे पहले जो है उसको बोलते हैं, हमारी हिंदी भाषा में बोलते हैं झाड़ू, इंग्लिश में बोलते हैं सॉफ्ट ब्रूम, सॉफ्ट ब्रूम। ठीक है, सॉफ्ट ब्रूम बोलते हैं, और उसके बाद में पड़ा उसको बोलते हैं डस्टपैन, यानी कचरा भरने के लिए जो यूज होता है वो डस्टपैन, उसके बाद जो है ड्राई मॉप। अभी ये तीन चीजें किस लिए है, जनरली अभी क्या होता है कि हम ड्राई मॉप यूज करते हैं, ड्राई मॉप का यूज क्या है कि किसी भी कोने में से किसी भी सरफेस में से आपको कचरा निकालना है और वो इजी और कन्वीनियंट है, आपका काम करने का जो स्पीड है वो बढ़ जाता है और आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, उसके साथ साथ आपका काम का लोड भी कम होता है। कैसे होगा कि हमने ये ड्राई मॉप लिया, अभी मान लो तो मुझे ये स्क्वायर एरिया में क्लीन करना है,
यहाँ पे कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। ऑब्स्टिकल मतलब ये टेबल वगैरह पड़े उसको ऑब्स्टिकल बोलते हैं। अगर मुझे ये स्क्वायर एरिया में से क्लीन करना है और मैं झाड़ू इन दोनों में से लूंगा तो मेरा सबसे ज्यादा क्लीनिंग और फटाफट होगा मुझे ड्राई मॉप से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। कैसे यूज होता है? तो मान लो कि इस तरह से हमने चालू किया, दो तरह से यूज कर सकते हैं। ड्राई मॉप को या तो सीधा सीधा लेके जाओ ऐसे, तो आपका ये पूरा का पूरा लाइन क्लीन हो जाएगा। फिर ड्राई मॉप को टर्न करो, इधर से करो, ड्राई मॉप को उठाना नहीं है क्योंकि उसके नीचे कचरा जमा हुआ है। अगर वो आप कचरा उठाओगे ऐसे ऐसे करोगे फिर वो कचरा वहीं पे रह जाएगा, फिर आप घिसोगे नीचे टाइल्स पे आपके वो मार्क्स बन जाएंगे, इसलिए ऐसा नहीं करना है। तो ये हो गया एक प्रोसीजर। दूसरा प्रोसीजर अभी लोग जनरली यूज करते हैं कि हम कैसे करते हैं कि ये डोर टाइल्स को ऐसे कवर करते हैं, ऐसे ऐसे स्लोली हम घुमाते हैं ताकि उसका सारा का सारा कचरा निकल के हमारे ड्राई मॉप में आ जाए। फिर ये आ गया तीसरा पार्ट। इस तरह से करते हैं तो हमारा पूरा का पूरा फ्लोर ड्राई मॉप से क्लीन हो गया। ठीक है, हम इस तरह से करते हैं। ये हो गया एक एक आपका तरीका। दूसरा तरीका, सिंपली झाड़ू ले सकते हो। झाड़ू लेके पूरा करने जाओगे आपकी कमर ड्राई जाएगी, इसीलिए ड्राई मॉप का यूज हम प्रीफर करते हैं। ड्राई मॉप यूज करो फिर वो सारा एक बार में क्या खड़े खड़े आप एक बार में काम कर सकते हो। झाड़ू लोगे क्या करते हैं हम लोग, झाड़ू में जनरली ऐसे खड़े खड़े तो झाड़ू मार नहीं सकते, नहीं मार सकते, झाड़ू में रहते दुखना पड़ेगा, ऐसे ऐसे कचरा निकलना पड़ता है। तब तक क्या होता है कि ये कवर में डाल हुआ है, ये तो चलो अभी छोटा सा एरिया है कर सकते हैं। मान लो कि यह पूरा इतना बड़ा एरिया है आपको क्लीन करना है, कैसे करोगे? झाड़ू से तो हो नहीं सकता क्योंकि आपका शरीर का भी आपको तकलीफ रहेगा, आपका कमर वमर गर्दन वर्दन ये जो पीठ पीठ वगैरह सब दुखने लगेगा और आपका काम का स्पीड कम हो जाएगा क्योंकि एक बार में इतना बुरा इंसान करने में ज्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए क्या करते हैं हम ड्राई मॉप यूज करते हैं। ड्राई मॉप से क्या होता है, एक तो आपका बॉडी को रेस्ट मिलता है आराम से और ऐसे ऐसे करके हम काम भी कर सकते हैं ताकि पूरा का पूरा कचरा हो। फिर हम क्या करते हैं, ये सारा कचरा यहाँ पे इकट्ठा कर लिए, फिर ड्राई मॉप को थोड़ा साफ करते हैं, बाद में साइड में रख के डस्टबिन और झाड़ू से जो भी हमने कचरा कलेक्ट किया है उसको इसमें भर के हमारे जो डस्टबिन है उसके अंदर डाल देते हैं। तो ये हो गया हमारा झाड़ू करने का स्टेप खत्म। किसी भी फ्लोर पे जाओ ऐसे ही काम कर दो। ठीक है, अभी लास्ट टाइम आता है हमारा पोछा करने का। पोछे को बोलते ही हमको बोलते हैं इसको वेट मॉप। ठीक है, इंग्लिश नाम इसलिए बता रहा हूँ, हर जगह पे गुजराती या हिंदी जनरली लोग समझते नहीं है। कुछ भी सामान लेने जाओगे अभी यूनिवर्सल लैंग्वेज है इंग्लिश, इसकी वजह से इसका नाम आपको पता होना चाहिए कि ड्राई मॉप किसे बोलते हैं, वेट मॉप किसे बोलते हैं, फिर हमारा वाइपर होता है उसको कैसे यूज करते हैं, क्या बोलते हैं, फिर डस्टबिन किसको बोलते हैं, इसीलिए बता रहा हूँ आपकी समझ के लिए। ये है वेट मॉप। ठीक है, वेट मॉप के लिए हम क्या करते हैं, एक बाल्टी लेते हैं, इसके अंदर पानी हमारा आधा या करीबन एक लीटर के आसपास पानी रहता है। फिर हम पोछे के लिए क्या करते हैं, केमिकल यूज करते हैं R2 केमिकल। ठीक है, केमिकल का डाइमेंशन होता है क्या, एक लीटर पानी में 20 ml। भाई जनरली ये जो भी केमिकल है हमारा अभी ये लाइजोल है इसको R2 ही बोलते हैं। हम क्या है कि प्योर R2 जो है वो हमारे हाउसकीपिंग के लिए जाना जाता है R2, पर हमारे मार्केट में R2 के नाम से कोई केमिकल नहीं मिलता है, उसको लाइजर भी तो कई बार लोग लाइजर यूज करते हैं, कई फ्लोर क्लीनर बोलते हैं, कुछ ना कुछ तरीके से नाम बदल बदल के बोलते हैं। सबका काम क्या है, फ्लोर को क्लीन करना। अब ये लाइजर है। ठीक है, इसका हम मोटर का कैप खोलते हैं। मान लो कि हमने बाल्टी में एक लीटर पानी लिया हुआ है तो हम इसके दो ढक्कन भर के इसके अंदर डालेंगे तो ये करीबन अप्रोक्सीमेटली 20 ml जितना हो जाएगा। हमारा डायमेंशन क्या होता है, एक लीटर पानी में 20 ml का केमिकल आएगा फिर हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या करेंगे, दो ढक्कन डालेंगे अंदर पार्टी में, फिर केमिकल को रख देंगे साइड में, फिर हम हमारा पोछा लेंगे। पोछा अच्छा नीट एंड क्लीन और साफ होना चाहिए डेली शाम को घर जाने से पहले। आपने एक बार पोछा यूज कर लिया फिर उसको वैसे का वैसा नहीं छोड़ सकते। क्या करते हैं हम जब भी पोछा करते हैं, मान लो कि मैंने पोछा किया, पोछा खत्म होने के बाद उसको स्पेशली हम वॉश एरिया में लेके जाते हैं, पूरा का पूरा पोछे को लगभग 15 मिनट तक उसको भिगो के रखते हैं,
फिर उसको अच्छे से साफ करते हैं ताकि उसके अंदर जो भी कचरा चिपका हुआ है वो निकल जाए। अगर कचरा उसके अंदर रहेगा, साफ नहीं किया तो आपका फ्लोर आप दूसरे दिन करना होगा वो ज्यादा गंदा होगा, साफ नहीं मिलेगा। हम बहुत बार कंप्लेन सुना है कि फ्लोर पे हमारे निशान रह जाते हैं, पोछे करते हैं और उसका निशान रह जाता है, उसके दाग जाते नहीं है। तो वो सारी चीजें क्यों होती है, जब आपका पोछा साफ नहीं होगा तो ये सारी चीजें रहेगी। अगर आप पोछा रेगुलरली साफ करते हो, अच्छे से धोते हो, उसको वॉश करते हो, तो आपका पोछा में जनरली कोई कंप्लेन आता नहीं है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अंदर हमने सॉल्यूशन डाल दिया हमारा जो मटेरियल है, अभी इसको इसके अंदर से पूरा का पूरा सोक करेंगे। इससे क्या होगा, ये पोछे के ऊपर अच्छे से पानी लग जाएगा। हमको अभी क्या करना है, हमने झाड़ू कर लिया है, अभी फ्लोर के ऊपर डिसइंफेक्ट बोलते हैं कि हमको अगर ये हमने केमिकल डाला, इससे क्या होता है हमारा एक तो फ्लोर साफ होता है, दाग धब्बे निकल गए और उसके ऊपर डिसइंफेक्शन का एक परत लग जाती है ताकि अगर कुछ भी ऐसा बैक्टीरिया बैक्टीरिया है तो वो मर जाए। ठीक है, जिसको बोलते हैं डिसइंफेक्ट। अभी ये हमने पोछा लिया, इसको भिगाया, अभी इसको इधर से ऐसे पकड़ेंगे। ठीक है, एक हाथ इधर रहेगा, एक हाथ इधर रहेगा, इसको मोड़ेंगे तो इसका सारा का सारा जो भी पानी है एक्सेस वाटर वो सारा निकल जाएगा। ये फिर से एक बार धोया तो ये हो गया हमारा कि हमारे जितना भी एक्सेस वाटर था वो निकल गया। अभी इसको फ्लोर पे अप्लाई करना, कैसे करेंगे, तो इसको पहले अच्छे से ऐसे मोड़ लेंगे। अभी पोछे करने की स्टाइल सबकी अलग अलग होती है, कोई कैसे करता है, ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे इतने इतने में पोछा करता है, कभी कोई ऐसे ऐसे करता है। इससे क्या बनता है, सब दिख रहा है डार्क, ये लाइनिंग बन जाती है, फिर वो वहीं पे रहती है। पोछा करने का सबसे बेस्ट तरीका है, एक कोने से हमने इसे लिया, इसको ऐसे दबा के रखा, एक हाथ ऊपर की ओर होना चाहिए, दूसरा हाथ मिडल में। ये क्या करेगा, ये हाथ जो है इस तरफ पोछे को खींचे लेके जाने के यूज होगा। मुझे इस तरफ पोछा करना है तो मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, एक लाइन में आना चाहिए। अगर हम लाइन में काम पोछा मारेंगे तो कोई दाग या तो फिर कोई ऐसा गंदा दिखेगा नहीं। पोछे के ऊपर थोड़ा सा वजन डालना है, फिर इसको ऐसे घुमाना है, दिख रहा है। ठीक है, इतना हो गया, फिर हम क्या करेंगे, पोछे की साइड चेंज कर देंगे, फिर इसको ऐसे घुमाना। इस तरह से करते जाओगे एक लाइन में तो आपका जो भी फ्लोर है वो क्लीन दिखेगा, अभी वो कोई डब्बा सर्कल वर्कल कुछ नहीं दिख रहा। तो ये है कि हमारा अच्छा फ्लोरिंग का ये निशानी है। एक हाउसकीपिंग जो है उसके लिए, हाउसकीपिंग कोई भी काम कर सकता है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं कर सकता, सब कर सकते हैं, पर एक प्रॉपर हाउसकीपर एक निशानी होती है कि वो काम को मटेरियल को फिर अपने सामान को किस तरह से यूज करता है, किस तरह से उसी सामान से सबसे अच्छा रिजल्ट निकाल के लाता है, ये एक अच्छे हाउसकीपर की निशानी है। ठीक है, तो ये हमारा पोछा हो गया, ये हमने देखे, अभी ये सूख जाने के बाद ये सारी लाइनें अपने आप चली जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए हमारा ये क्लीनिंग हो गया। हम लोग क्लीनिंग कैसे करते हैं, तो क्लीनिंग में क्या क्या लेते हैं, सबसे पहले डस्टिंग, फिर हमारे यूज करते हैं ड्राई मॉप, या तो फिर हमारा सॉफ्ट ब्लूम और डस्टबिन से वो कचरा भरते हैं, फिर आखिर में करते हैं वेट मॉप। तो ये तीन चीजें हमारा क्लीनिंग का प्रोसेस है। कहीं पे भी जाओ दुनिया में, किसी भी कोने पे जाओगे, सब जगह पे क्लीनिंग इसी तरह से होता है। क्या होता है, सबसे पहले डस्टिंग होता है, उसके बाद हमारा झाड़ू लगता है, या तो फिर कचरा भरते वो निकलता है, और आखिर में हमारा वेट मॉप होता है। वेट मॉप में हम यूज करते हैं अपना केमिकल डाल के, वो उसको यूज करते हैं, तो हमारा जो भी एक क्लीनिंग का जो प्रोसेस होना चाहिए वो क्लीनिंग का प्रोसेस पूरा होता है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी। ठीक है।